हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, और जैसा कि यू कैन रीड यहाँ पे दे रखा है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और ये तीनों के तीनों बड़े हैं ज़ीरो से। इसका क्या रोल होगा आगे चल के वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, अगर a बड़ा है b से तो डेफिनेटली a माइनस बी जो भी आंसर आएगा इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। b माइनस सी करने से जो भी आंसर आएगा वो भी ज़ीरो से बड़ा होगा। बट एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने यहाँ पे c माइनस a करवाया तो वो ज़ीरो से बड़ा नहीं आएगा, वो ज़ीरो से छोटा हो जाएगा। पहला तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या एग्जैक्टली इसका रोल होगा आगे चल के वो आपको पता चलेगा। दूसरा चीज़ मैं आपको एक फंडा क्लियर करता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स जो होता है उसके दो आंसर होते हैं बेटा। पहला आंसर तो जो हमें पता है कि सर अगर कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्टली उसको वन अपॉन एक्स कर दीजिए, और दूसरा होता है बेटा पाए प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। अब ये दोनों सिनेरियोज़ कब आते हैं, अगर आपका ये जो एंगल है x इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तब तो सीधे tan इनवर्स वन अपॉन x होता है, लेकिन अगर यही x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी हो जाए तो पाई प्लस tan इनवर्स वन अपॉन रूट x हो जाएगा। क्या मतलब है सर, क्यों हम इसको यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, अभी हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो कोई ट्रबल नहीं है यार। यू कैन रीड योर क्वेश्चन, क्वेश्चन को आराम से रीड करते हैं। उसमें लिखा है कॉट इनवर्स ए इंटू बी प्लस वन और ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं अपने ब्रेन में क्या करिए यार, अपने ब्रेन में अगर मैं ए माइनस बी को एक्स ले लूं तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ लिखी है आपकी है ना, ये आपको कॉट इनवर्स एक्स की फॉर्म में दिखेगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, चाहे आप दूसरा वाला इक्वेशन देखो यहाँ पे, उसको मैं लिख देता हूँ बी सी प्लस वन है जहाँ पे बी माइनस सी है। तीसरा चीज़ है यहाँ पे कॉट इनवर्स सी इंटू ए प्लस वन एंड दिस इज सी माइनस ए। एग्जैक्टली इनका क्या रोल होने जा रहा है वो अभी आप देखिए। आपको पता है बेटा जैसे कि कॉट इनवर्स का अगर मुझे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है तो आपका ये जो एंगल एक्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो सिमिलरली अगर इस टेन इनवर्स है ना कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो ऊपर वाला चीज़ नीचे और नीचे वाला चीज़ ऊपर पहुंच जाएगा, और ये ए माइनस बी में वन प्लस ए बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई ट्रबल। सिमिलरली आप इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स b माइनस सी वन अपॉन बी सी। और एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, जो तीसरा वाला बनेगा कॉट इनवर्स इसको मैं पाए प्लस टेन इनवर्स c माइनस ए अपॉन वन प्लस सी ए लिखने जा रहा हूँ, और एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, अगर यहाँ सिर्फ कॉट इनवर्स होता, अब देखिए अगर a इंटू बी प्लस वन अगर आप गौर से देखें तो दिस इज़ पॉजिटिव, एंड द रीज़न इज़ अगर तीनों ज़ीरो से बड़े हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी का मल्टीप्लिकेशन, और उसमें अगर आप वन बी प्लस करोगे तो ऊपर पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा a माइनस बी भी यहाँ पे पॉजिटिव ही है क्योंकि वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कॉट इनवर्स आपको यहाँ दिख रहा है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। और हमने यही थ्योरी में पढ़ा था अभी ऊपर थोड़ी देर पहले कि अगर कॉट इनवर्स के अंदर सिर्फ x है, जहाँ पे आपका x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो वो डायरेक्टली tan इनवर्स वन अपॉन x में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसी वे में ये कन्वर्ट हुआ, सेम वे में ये भी tan इनवर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ, बट क्योंकि इस केस में c माइनस ए ज़ीरो से छोटा था, ज़ीरो से छोटा यानी x आपका ज़ीरो से छोटा था, इसलिए जब आपने यहाँ cot इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहा आपको एक पाई को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ गया। तो इस प्रॉपर्टी को प्लीज़ याद रखिएगा,
इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली नाउ फाइनली अब हम अपना आंसर दे सकते हैं, हमें कोई ट्रबल नहीं होगा। आपको पता है बेटा ये जो भी चीज़ यहाँ लिखा गया है इसका क्या फॉर्मूला होता है, यह आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है ना। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का ये फॉर्मूला लिखा है, प्लस इसको गौर से देखें तो दिस इज़ tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का फॉर्मूला है, प्लस पाई को एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको टच मत कीजिए, ये आपका आपको पता है दिस इज़ tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो जो चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो सकती है वी विल कैंसिल दैम। तो यू कैन सी tan इनवर्स a कैंसिल हो गया है tan इनवर्स a से, माइनस c आपका माइनस c से, और b वाला कैंसिल हो गया है b से। ये बस मैं आपको क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, नॉर्मल सा क्रॉस लगाते हैं ताकि आपको बचल जाए। और जो इकलौती चीज़ यहाँ पे बची है वो है पाए, और पाए यहाँ किसके इक्वल है, आपके राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था। सो योर क्वेश्चन इज़ डन, होपफुली ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू।